मेहनत कर करके थक चुका हूं। जो लोग मुझसे पीछे थे आज वो लोग मुझसे आगे निकल चुके हैं। सारे हथकंडे अपना चुका हूं, सारे तरीके अपना चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं कामयाब नहीं हो पा रहा हूं। जो लोग मुझसे काफी पीछे थे आज वो हीरो बन चुके हैं, वो अपनी ब्रांच में हीरो हैं, लेकिन मैं जीरो बन चुका हूं, जीरो। जो मेरी प्रोग्रेस थी वो प्रोग्रेस मेरी डाउन होती जा रही है, मैं कामयाब नहीं हो पा रहा हूं, इसलिए बहुत टेंशन में हूं। क्या ये सिचुएशन आपके साथ भी होती है? क्या आपके दिमाग में भी ये बात चलती है कि आपसे जो कलीग थे आपके वो पीछे थे, वो कलीग आपसे आगे निकलते जा रहे हैं और आप वहीं के वहीं हो, बल्कि उससे भी नीचे जाते जा रहे हो? क्या कारण है? आज इस वीडियो में आप समझने वाले हैं 10 वो स्ट्रेटजी जो आप अपनी रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे तो आप जीरो से हीरो बन सकते हो। जो दर्शक पहली बार हमारे चैनल पर हैं, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को अपनी टीम के साथ में, अपने एजेंट्स के साथ में, अपने डीओ के साथ में जरूर शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो हर एक इंश्योरेंस एडवाइजर को देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपने इंश्योरेंस एजेंसी जो ली है वो इसलिए ली है ताकि आप इंश्योरेंस एजेंसी में साइड बाय साइड पार्ट टाइम काम करके पैसा कमाएं। इसलिए नहीं लिए कि आपने एजेंसी ले ली, बस एजेंसी नाम की एजेंसी है, उसमें बिजनेस जीरो। क्या इसलिए सोच के एजेंसी ली आपने? किसी ने भी ये सोच के एजेंसी नहीं ली है कि मैं एजेंसी बस ले लेता हूं, इसमें कोई बिजनेस नहीं डालूंगा। अगर मैं गलत हूं तो मुझे कमेंट करके बताइए, और अगर मैं सही हूं तो भी मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके जो ड्रीम्स हैं वो ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, आपके जो खर्चे हैं उन खर्चों को पूरा करने के लिए, आपकी जो प्लानिंग है उस प्लानिंग को पूरा करने के लिए आपने इंश्योरेंस एजेंसी ली है कि मैं अपनी जॉब के साथ में, अपने बिजनेस के साथ में LIC एजेंसी में काम करके कुछ पैसा कमा पाऊं। सबसे पहला आपको क्या करना है दोस्तों, हम पीछे क्यों हैं? हमारे कलीग जो हमसे बाद में हमारी कंपनी में आए थे, हमारे कलीग जो हमसे काफी पीछे थे वो हमसे आगे क्यों निकलते जा रहे हैं, हम उनसे आगे क्यों नहीं निकल पा रहे हैं? इसका सबसे बड़ा रीजन है दोस्तों कि आपका कोई टारगेट नहीं है, आपकी लाइफ का कोई लक्ष्य नहीं है, आपने अपनी लाइफ का लक्ष्य कोई डिसाइड नहीं किया है। क्या बिना लक्ष्य के हम आगे बढ़ सकते हैं? अगर हमारी लाइफ का लक्ष्य कुछ है ही नहीं, अगर मुझे मुंबई पहुंचना है तो मेरा लक्ष्य है कि मुझे मुंबई पहुंचना है, मैं क्या करूंगा? मुंबई पहुंचने के लिए या तो मैं बाई ट्रेन टिकट बुक कराऊंगा या फिर मैं एरोप्लेन का टिकट बुक कराऊंगा और मैं मुंबई पहुंचूंगा। अगर मैं टिकट बुक नहीं कराऊंगा तो मैं वहां नहीं पहुंच पाऊंगा। इसी तरीके से दोस्तों हमारी लाइफ का जो लक्ष्य है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमें डिसाइड करना है कि हमारा लक्ष्य क्या है। हम जिस प्रोफेशन में भी हैं उस प्रोफेशन में हमारा क्या लक्ष्य है, हमारी लाइफ में हमारा क्या लक्ष्य है, उस लक्ष्य को हम कैसे प्राप्त करेंगे? जब हमारा लक्ष्य होगा तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम काम करेंगे, और उस काम में जो भी रुकावटें आएंगी उन रुकावटों को दूर करने के लिए हम उस बाधा को अपने रास्ते से हटाते चले जाएंगे, और अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए जितनी भी मुश्किलें आएंगी उन मुश्किलों का सामना जरूर करेंगे। नाम इतिहास के पन्नों में उसी का लिखा जाता है जो मुश्किलों का सामना करता है, जिसको आपने लाइफ में स्ट्रगल करके आप प्राप्त करते हैं वही इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज होता है। दूसरा दोस्तों, हम कठिन काम को देखकर घबरा जाते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते हैं। सर्दी है तो सर्दी में अपने कमरे में से, अपने रूम में से, अपने हीटर में से, अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। अगर हमें कामयाब होना है, अगर हमें अपनी लाइफ में कुछ बनना है तो हमें मेहनत से पीछे नहीं हटना है। आंधी हो, बारिश हो, तूफान हो, गर्मी हो, सर्दी हो, कोई भी मौसम हो, उस मौसम में हमें अपने काम में पीछे नहीं हटना है, हमें अपने काम में आगे बढ़ना है और उस काम को किसी भी स्थिति में करना है, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, चाहे कोई भी मौसम हो, चाहे कोई भी गर्मी हो, सर्दी हो, तापमान कोई भी हो, हमें पीछे नहीं हटना है, हमें उसे प्राप्त करना है, हमें मेहनत से पीछे नहीं हटना है, हमें सिर्फ अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। तीसरा दोस्तों, आपको क्या उस कमी को ढूंढना है कि हम कोई काम करते हैं तो दूसरों के बताने से काम शुरू ना करें। कोई आपको कोई काम बताता है तो उस काम को शुरू करने से पहले आप उस पर सोच विचार करें, उसकी अच्छाइयां और बुराइयां देखें कि इस काम को आप कर तो सकते हो, आपको जो ऑफर दे रहा है उस काम को आप कर तो सकते हो, लेकिन उसमें आपको ये देखना है कि इस काम को अगर मैं करता हूं तो इसमें मुझे क्या बेनिफिट होगा,
क्या इस काम को करने में कोई रिस्क तो नहीं है? अगर कोई रिस्क है तो आप उस काम को ना करें। कोई भी काम शुरू करने से पहले आपको उसकी अच्छाइयां और उसकी बुराइयां देखनी है कि इस काम को करने की अच्छाइयां क्या है और इस काम को करने की बुराइयां क्या है। अगर आप सेटिस्फाई हैं तभी उस काम को करें, अदरवाइज काम को छोड़ दें। आपको उसमें कितना भी प्रॉफिट मिल रहा है, कितना भी मार्जिन मिल रहा है, सब कुछ मार्जिन ही नहीं होता है, सब कुछ प्रॉफिट ही नहीं होता है, सिर्फ आपकी इज्जत भी उसमें बनी रहनी चाहिए। इसलिए किसी भी काम को सोच समझ कर स्टार्ट करें। चौथा कि हम जो भी काम करते हैं, अगर हमने इंश्योरेंस एजेंसी ली है तो हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं इंश्योरेंस पॉलिसी सेल कर सकता हूं। अगर मुझे अपने आप पर ही कॉन्फिडेंस नहीं है तो मैं कस्टमर को जाके सेटिस्फाई नहीं कर पाऊंगा। पहले मुझे अपने आप पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मुझे अपनी कंपनी पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मुझे अपने प्रोडक्ट्स पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और इन कॉन्फिडेंस के साथ जब मैं सेटिस्फाई हो जाऊं तब मैं कस्टमर के पास जाऊं और कस्टमर को सारी कस्टमर की जो भी प्रॉब्लम्स है, कस्टमर के जो भी क्वेरीज हैं, वो सारी क्वेरीज का आंसर मैं उसको वहीं पर देकर आऊं। तो ये कैसे हो सकता है? ये हो सकता है दोस्तों हमारे कॉन्फिडेंस से। जब हमें कॉन्फिडेंस होगा तभी हम कर सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि आपके कलीग आपसे आगे निकल गए और आप वहीं के वहीं हैं। जरा आपको अपने आप में सोते समय एक बार सोचने की जरूरत है कि क्या मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, मेरा कॉन्फिडेंस क्या हाई लेवल पर नहीं है, क्या मेरा कॉन्फिडेंस जब मैं कस्टमर के पास जाता हूं मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। तो अगर ये प्रॉब्लम आपके साथ है तो क्यों डाउन है आपका कॉन्फिडेंस, क्यों आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, वो आप पॉइंट पता करिए किस रीजन की वजह से आपका कॉन्फिडेंस डाउन है। अगर आपको प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है तो अपनी प्रोडक्ट नॉलेज को बढ़ाइए। अगर आपको कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम आती है तो उस चीज में आप इंप्रूवमेंट कीजिए, लेकिन इस कमी का पता लगाकर आपको अपने कॉन्फिडेंस को लूज नहीं होने देना है, अपने कॉन्फिडेंस को आपको हाई रखना है। पांचवा पॉइंट क्या है कि आपकी वैल्यू आपकी ब्रांच में कम हो जाती है। वो क्यों हो जाती है? वो इसलिए हो जाती है कि अगर आपके डीओ आपको फोन करते हैं, आपके ब्रांच मैनेजर आपको फोन करते हैं, आपका बिजनेस जीरो है, आप तुरंत ब्रांच में चले जाते हैं, आपका बिजनेस जीरो, आप तुरंत ब्रांच में चले जाते हैं, तो आपकी वैल्यू ऑटोमेटिक कम होती चली जाएगी। आपके ब्रांच मैनेजर आपको फोन कर रहे हैं, आपके डीओ आपको फोन कर रहे हैं, वो बिजनेस के लिए फोन कर रहे हैं, और आप पूरे साल ब्रांच में तो चले जाते हैं लेकिन बिजनेस जीरो लेकर आते हैं। तब क्या होता है, जब आप कोई काम लेकर अपने डीओ के पास जाएंगे, अपने ब्रांच मैनेजर के पास जाएंगे, तो वो आपको इतनी वैल्यू नहीं देंगे। तो आपको समझना क्या है, आप 24 घंटे अवेलेबल मत रहिए, अपने आप को बिजी दिखाने की कोशिश कीजिए, और बिजी होना भी जरूरी है। आपको जब आपकी टीम के मैनेजर यानी कि डीओ या फिर आपके ब्रांच मैनेजर आपको फोन करें तो आप उनको बताएं कि सर मेरी अपॉइंटमेंट है, आज संडे को मेरी अपॉइंटमेंट है। अगर वो संडे को आपको बुला रहे तो आप उनको बताइए कि संडे सर मैं 2 क्लोजर लेकर आऊंगा ब्रांच में, अगर मेरे 2 क्लोजर नहीं आए तो मैं ब्रांच में नहीं आऊंगा, क्योंकि मेरा कमिटमेंट आपसे कि मैं रोज 2 लोगों से मिलता हूं और संडे को मेरी 2 क्लोजर होने वाली है, मेरी 2 पॉलिसी क्लोज होने वाली है। इस कमिटमेंट के साथ आप अपने टीम के मेंबर से, आप अपने सीनियर से, आप अपने डीओ से, आप अपने ब्रांच मैनेजर से बात कीजिए तो आपकी वैल्यू अपने आप बढ़ती चली जाएगी। छठा कि अगर हमारा बिजनेस नहीं आता है ब्रांच में तो हम डीमोटिवेट होकर घर पर बैठ जाते हैं, और जो टैग आपके ऊपर लग चुका है कि आप बिजनेस नहीं करते हो ब्रांच में, वो टैग हमेशा हमेशा के लिए लग जाता है। तो अगर आपको इसको बदलना है तो कुछ दिन आप ब्रांच में ना जाके कुछ दिन आप लोगों से मिलिए, लोगों से वार्तालाप करिए, लोगों से बिजनेस के बारे में बात करिए, और इतने बदल जाओ कि लोग हैरान हो जाएं, आपकी ब्रांच के लोग हैरान हो जाएं आपके बिजनेस को देख के, कि जब आप बिजनेस में जाएं और बिजनेस में ब्रांच में आपकी क्लैपिंग होने लगे, आपके गले में फूलों की माला पड़े, आपके ब्रांच मैनेजर आपका एक बड़ा सा फोटो आपकी ब्रांच में लगाए कि यू आर द नंबर 1 इन योर ब्रांच, राइट? तो ये कैसे हो सकता है? ये हो सकता है आपकी सोच से, ये हो सकता है आपके परिश्रम से, ये हो सकता है आपकी काम करने के तरीके से। तो आपको बदलना पड़ेगा जो आपके ऊपर टैग लगा हुआ है कि आप बिजनेस नहीं करते हैं ब्रांच में। पहले तो आपको अपने दिमाग से इसको निकाल के फेंकना है। आप वो कर सकते हो जो कोई नहीं कर सकता है,
और ये कैसे हो सकता है, ये आपको प्रूव करके दिखाना पड़ेगा, ये आपको दिखाना पड़ेगा अपने ब्रांच में, देखो ये आपको अपनी ब्रांच में दिखाना पड़ेगा कि जो मैं कर सकता हूं वो कोई और नहीं कर सकता। तो अपने आप को बदल लीजिए और इतना बदलिए कि जब आप कम बैक करें तो आपकी ब्रांच के लोग हैरान हो जाए। पॉइंट नंबर 7 दोस्तों, आज बिजनेस नहीं आ रहा है तो क्या हमें काम बंद कर देना चाहिए? एक डॉक्टर का भी एक सीजन होता है, जब सर्दियां शुरू होती हैं, गर्मियां खत्म होती हैं, सर्दियां शुरू होती हैं तो फीवर चलना स्टार्ट हो जाता है और डॉक्टर के पास इतनी भीड़ होती है कि इतने सारे पेशेंट्स होते हैं कि सुबह से शाम तक डॉक्टर को टाइम नहीं मिलता है। और एक समय ऐसा आता है जब डॉक्टर खाली बैठा रहता है उस समय पर। तो क्या डॉक्टर ने अपना क्लिनिक बंद कर दिया? नहीं किया ना। उसको उम्मीद है कि आज नहीं तो कल ऐसा सीजन आएगा कि जब मेरे पास पेशेंट्स इतने होंगे कि मैं सुबह से शाम तक उन पेशेंट से इतना पैसा कमाऊंगा कि पूरे साल की इनकम मेरी वहीं से निकल जाएगी। इसी तरीके से दोस्तों, हम जो इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, हमें आज मुश्किल है, कल बेहतर जरूर होगा, इस उम्मीद के साथ काम करना है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 6 महीने ऐसे महीने हैं जिनमें ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स सेविंग करते हैं। अप्रैल, मई, जून में मैं मानता हूं कि कम बिजनेस होता है, लेकिन कम बिजनेस ये हमारी सोच है। हम लोगों को जिस तरीके से अप्रोच करेंगे, हम उनको अगर समझाएंगे कि सर अप्रैल में पॉलिसी लेने का ये फायदा है कि आप मंथली भी पॉलिसी स्टार्ट करा सकते हैं, इसमें आपका पैसा मंथली जाएगा, लेकिन आपको बेनिफिट ये होगा कि मार्च एंड में जब आपको अपनी टैक्स सेविंग के लिए अपना इनकम टैक्स सर्टिफिकेट, जो प्रीमियम पेड सर्टिफिकेट है, वो जमा करना पड़ेगा अपनी टैक्स सेविंग के लिए, तो आपको इकट्ठा पैसा पे नहीं करना इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए, आप महीना महीना करके थोड़ी थोड़ी सेविंग करेंगे और पूरे साल का जो आपका प्रीमियम पे किया उसमें आप टैक्स रिबेट ले सकते हो। कैसे ये कैसे हुआ? जहां अप्रैल में कस्टमर पॉलिसी नहीं लेना चाहता था, आपने उसको बताया कि अप्रैल में पॉलिसी लेने का क्या फायदा है, उसकी समझ में आया और उसने ईयरली पैसा पे ना करके उसने मंथली सिप करा दी, मंथली ECS करा दिया और उसका पॉलिसी स्टार्ट हो गया और प्रीमियम भी आना स्टार्ट हो गया, पॉलिसी भी आपकी स्टार्ट हो चुकी है। तो इस तरीके से आज मुश्किल समय है, कल बेहतर होगा, ये उम्मीद के साथ आपको काम करना है। पॉइंट नंबर आठ है दोस्तों, जिनके पास इरादे होते हैं उनके पास बहाने नहीं होते हैं। मेरे ब्रांच मैनेजर से मुझे फोन कर रहा है, पिछले 10 दिन से फोन कर रहे हैं ब्रांच मैनेजर की भाई पॉलिसी लेके आओ, पॉलिसी लेके। मैं तो घुमा देता हूँ अपने ब्रांच मैनेजर को, बोल देता हूँ सर मेरी बहन की शादी है, मैं शादी में बिजी हूँ। दूसरी बार फोन करते हैं, मैं कह देता हूँ सर मेरे को फीवर हो रहा है, मैं नहीं आ पा रहा हूँ। तीसरी बार फोन करते हैं, कुछ और बहाना लगा देते हैं, सर घर में मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। तो ये कौन लोग करते हैं? ये वो लोग करते हैं जिनके कोई इरादे नहीं होते हैं। जिनके इरादे होते हैं, जिनके पास इरादे होते हैं, उनके पास बहाने नहीं होते हैं। वो बहाने नहीं बनाते हैं, वो सिर्फ कर्म पर विश्वास करते हैं, काम करते जाते हैं, सिर्फ काम करने के ऊपर उनको जो परिणाम मिलता है वो उसी पर विश्वास करते हैं, ना कि बहाने बनाने पर विश्वास करते हैं। उनको अपना भविष्य दिखाई देता है, उनको अपना फ्यूचर दिखाई देता है, उनको अपने बच्चों का फ्यूचर दिखाई देता है, इसी उम्मीद के साथ वो काम करते हैं। पॉइंट नंबर 9 दोस्तों, अगर हमें ब्रांच में ट्रेनिंग दी जा रही है, आपकी DO आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, आप चेयर पे बैठे हो, आप समझ रहे हो, लेकिन आपको कोई बात समझ नहीं आ रही है और आप झूठ मूठ में ही बोल देते हो कि हाँ सर बिल्कुल ठीक है, मुझे समझ आ गया सर, बिल्कुल 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 सर मुझे समझ आ चुका है, फिर अगला टॉपिक स्टार्ट होता है, वो भी आपको समझ नहीं आ रहा है, आप फिर बता रहे हो कि सर हाँ मुझे समझ आ रहा है, राइट? तो समझ ना आए तो पूछने में शर्म मत करो। आज नहीं पूछा अगर आपने आज नहीं पूछा तो कभी नहीं पूछ पाओगे। कुछ बात समझ में आई? आप मेरी वीडियो देख रहे हो, अगर मेरे वीडियो से आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो पूछिए, कमेंट करके पूछिए कि सर ये चीज मुझे समझ नहीं आई है। अगर नहीं पूछोगे तो किसका नुकसान हो रहा है? मेरा नुकसान हो रहा है कि आपका नुकसान हो रहा है? लॉस किसका हो रहा है, आपका हो रहा है कि मेरा हो रहा है? आपका ही लॉस हो रहा है ना। तो अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो कमेंट करके तो पूछ सकते हो, एटलीस्ट कमेंट करके पूछोगे, मैं पढ़ूंगा कमेंट और उस पर या तो मैं वीडियो बनाऊंगा या रिप्लाई करूंगा, राइट? तो आपको पूछने में शर्म नहीं करनी है,
कोई चीज समझ ना आए 10 बार पूछिए। अपनी ब्रांच में जब आपके ब्रांच मैनेजर ट्रेनिंग दे रहे हैं आपको, आपके डीओ ट्रेनिंग दे रहे हैं, या कोई ट्रेनर बाहर से आया हुआ है वो आपको ट्रेनिंग दे रहा है और आपको नहीं समझ आ रहा है, तो खड़े होकर पूछिए। दूसरी बार समझ नहीं आ रहा है फिर खड़े होकर पूछिए, तीसरी बार समझ नहीं आ रहा है फिर खड़े होकर पूछिए, बार बार पूछिए। उसको ट्रेनर को भी लगेगा, ब्रांच मैनेजर को भी लगेगा कि हाँ ये वाकई सीरियस है, ये वाकई सीरियस है कि ये बात में से बात निकाल रहा है, ये वाकई सीरियस है, इसको जो भी हम बता रहे हैं उसमें से कुछ ना कुछ सवाल निकालते जा रहा है। ये कैसे हो पाएगा? ये तब हो पाएगा जब आपका इंटरेस्ट आपके काम में होगा, जब आपका इंटरेस्ट आपके सपने पूरे करने में होगा, जब आपका इंटरेस्ट आपका टारगेट पूरे करने में होगा, तब जाके आप ये कर सकते हो। पॉइंट नंबर दस दोस्तों, हम सुबह से शाम तक फोन में कुछ ना कुछ देखते रहते हैं, कभी किसी की वीडियो देखते हैं, कभी कोई मूवी देखते हैं, कभी कुछ देखते हैं, कभी गाने सुनते हैं, क्या फायदा है इनको करके? हाँ, समय रखो, कुछ लिमिटेड समय रखो, ये नहीं सुबह से शाम तक हम सिर्फ यही देखते जा रहे हैं, एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी देखते जा रहे हैं, सुबह से शाम हो गई बस मोबाइल और टीवी ही हमारे सामने है। मोटिवेशनल बुक पढ़ी है, जो सक्सेसफुल लोग हैं उनकी स्टोरी पढ़ी है, वो कैसे सक्सेसफुल बने, लाइफ में कितना स्ट्रगल उन्होंने किया, आज उनका उनके नाम का डंका अगर दुनिया में बज रहा है तो क्यों बज रहा है? उन्होंने कुछ मेहनत करके, कुछ इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज कराने के लिए उन्होंने इतना कठिन परिश्रम किया, तब जाके उनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हुआ। तो ये सब करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक दृढ़ संकल्प लेना पड़ेगा, आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि हाँ मुझे जरूर कामयाब होना है। और कामयाब आप कब हो सकते हो? जब आप इन पॉइंट्स पर ध्यान दोगे, तभी आप जीरो से हीरो बन सकते हो। और जो आपके कलीग थे, जो आपसे आगे निकल चुके हैं, आप अगर इन लोगों से आगे निकलना चाहते हो तो आपको इन पॉइंट्स को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। और जो दर्शक पहली बार हमारे YouTube चैनल पर जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। और जो दर्शक हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। और भूलिएगा नहीं, हर एक संडे रात ठीक 9 बजे मैं आप लोगों के लिए YouTube और Facebook लाइव प्रोग्राम लेकर आता हूं, जहां पर आप सभी दर्शक अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, आप सभी को मेरी शुभकामनाएं, आपका नया साल मंगलमय हो, आप नए साल में पूरी शिद्दत के साथ में अपने काम में लगे रहें और अपनी मंजिल को जरूर प्राप्त करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।